हेलो फ्रेंड, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये वेजिटेबल को कैसे लंबे टाइम के लिए हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये वेजिटेबल है वो हम मार्केट से हम जो खरीद के लाते हैं, कई बार हम ये डायरेक्टली ये टमाटर एंड ये भिंडी डायरेक्टली हम ये बैक फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि भिंडी है वो 3-4 दिन के बाद ये भिंडी चिकनी हो जाती है और ख़राब हो जाती है। लेकिन आज से हम ऐसे स्टोर करेंगे सब्जी को कि 3 या 4 वीक तक ये आपकी सब्जी खराब नहीं होगी। तो ये जो देखिए ये बैंगन है वो भी खराब हो जाते हैं, इन लौकी कोई भी सब्जी या है वीक में ये खराब हो जाती है। डायरेक्टली हम ये बैग फ्रिज में रख देते हैं तो खराब हो जाती है। तो चलिए हम कैसे लंबे टाइम के लिए फ्रेश रखना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वेजिटेबल को हम पानी से अच्छे से वेजिटेबल को धो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये भिंडी को धो लेती हूँ। तो भिंडी को जो स्टोर करना है तो भिंडी को धोने के बाद थोड़ी सी पोंछ लीजिए, नहीं तो ये भिंडी में पानी रहता है तो भिंडी चिकनी हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो मैं भिंडी को सबसे पहले अच्छे से धो लेती हूँ। इस तरह से सारा का सारा वेजिटेबल को मैं अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद हम उसको फ्रिज में कैसे स्टोर करना है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब्जी को धोने के बाद उसको 1 घंटे के लिए रखना है सुखाने के लिए। एक गीली गीली सब्जी को स्टोर नहीं करना है, नहीं तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी की सारी सब्जी को अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद एक नेपकिन है या टॉवेल है उसके ऊपर सब्जी को रख दीजिए। 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए, यानी कि पंखा के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो मैं ये सब्जी को सबसे पहले मैं सारी की सारी सब्जी को मैं धो लेती हूँ, उसके बाद में 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही खुली हवा में मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं ये सब्जी को स्टोर करूँगी। ये मिर्ची है, हरी मिर्ची, वो भी ख़राब हो जाती है जल्दी। ज़्यादा टाइम के लिए ये मिर्ची भी नहीं रहती है। तरह से प्रोसेस आप करेंगे तो ये आपकी सब्जी भी लंबे टाइम के लिए अच्छी रहेगी। तो मैंने सारा का सारा वेजिटेबल को मैंने इस तरह से मैंने पानी से धो लिया है। अब हम ये धनिया को भी अच्छे से धो लेते हैं। तो धनिया को जो लंबे टाइम के लिए फ्रेश रखना है तो धनिया को पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद धनिया को गीला धनिया को स्टोर नहीं करना है। धनिया तो जल्दी ख़राब हो जाता है, गीला धनिया को आप लपेट के स्टोर करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो धनिया को सबसे पहले क्या करना है कि अच्छे से धोने के बाद उसको एक नेपकिन हो या टॉवेल हो उसके ऊपर अच्छे से सुखा लेना है धनिया को, उसके बाद ही उसको स्टोर करना है। मैं धनिया 2 पूड़ी लाती हूँ तो मेरा धनिया है 15 से 20 दिन से ज़्यादा है, एकदम फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। क्योंकि मैं धनिया को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद में 2-3 घंटे तक मैं ये नेपकिन के ऊपर में पूरा फैला लेती हूँ तो ये अच्छे से सूख भी जाते हैं। उसके बाद में ये लपेट के मैं धनिया को फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए मैंने पानी से अच्छे से धनिया को मैंने धो लिया है। तो ए साइड वेजिटेबल को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो मैंने सारा का सारा वेजिटेबल है वो मैंने नेपकिन के ऊपर मैंने रख दिया था। तो ये नींबू को तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है लपेटने की, नींबू तो वैसे ही अच्छा रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये केबेज है, वो जो आधी केबेज बची है तो उसको प्लास्टिक ऊपर रेप करके आप इस तरह से रख सकते हैं तो केबेज भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन एक करेला है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसको हम सबसे पहले हम कैसे रखना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है किचन टॉवेल लिया है। किचन टॉवेल में लपेट के हम इस तरह से ये सब्जी को रख देते हैं, उसके बाद हम अच्छे से कवर करके एक प्लास्टिक की बैग है उसमें ही हम डाल देते हैं। तो इस तरह से ये कवर कर लीजिए। तो ये आपकी कोई भी सब्जी या है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि हमने सब्जियां है बहुत सारी ला के फ्रिज में रख दिया है लेकिन ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आप सब्जी को रख दीजिए फ्रिज में, तो नहीं तो आपकी सब्जी ख़राब होगी, नहीं आपको कोई टेंशन होगा।
अब हम ये टमाटर को कैसे स्टोर करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है, बास्केट लिया है। तो सबसे पहले हम एक किचन टॉवल रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर। उसके बाद हम टमाटर को भी एक किचन टॉवल से लपेट के हम रख दीजिए, तो टमाटर भी खराब नहीं होगा। इस तरह से हम सारा का सारा वेजिटेबल हमने कवर कर लिया है, वो हम रख देते हैं। तो आप ये बैग पर आप नाम भी लिख सकते हैं कि हमने उसमें ये सब्जियां रखी है, तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी बैग में हमने सब्जियां डाली है। तो इस तरह से हम दूसरा वेजिटेबल को भी हम कवर कर लेते हैं। तो मैं हर बार वैसा ही करती हूँ कि मैं सब्जियाँ खरीद के लाती हूँ, तब भी मैं अच्छे से पानी से सब्जी को मैं धो लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी को 1 या 2 घंटे के लिए वैसे मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम ये किचन टॉवल में लपेट के इस तरह से सब्जी में फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है कि मेरी सब्जी फ्रिज में पड़ी है और ख़राब हो जाएगी। 2-3 वीक तक मैं अच्छे से सब्जी को यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरा वेजिटेबल है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, तो आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया था। तो ये धनिया है एक नेपकिन, बड़ा नेपकिन के ऊपर मैं फैला लेती हूँ और सुखाने के लिए मैं रख देती हूँ। सुखाने के बाद मैं ये किचन टॉवल में लपेट के मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये हमारा दोनों बास्केट हमारा रेडी है। तो इस तरह से स्टोर कर लीजिए। तो आप इस तरह से दोनों बास्केट फ्रिज में रख दीजिए। तो ये धनिया है वो भी सूख गया है। तो ये धनिया को हम किचन टॉवल में लपेट के आधी आधी पूड़ी हम इस तरह से 2 पार्ट में हम रोल बना लेते हैं। तो ये धनिया की पूड़ी को आप इस तरह से स्टोर कर लीजिए, तो आपका धनिया 1 महीना तक ये धनिया आपका खराब नहीं होगा। बस ये धनिया को गीला नहीं रखना है, सूखा लेना है, उसके बाद ही आपको ये स्टोर कर लेना है। इस तरह से ये वेजिटेबल को आप लंबे टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हैं।